जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं सो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस सिक्स इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम द ट्वेंटी फिफ्थ एंड ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट अंत में क्वेश्चन दिया जाएगा तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए टू फिफ्टी वर्ड्स में इट्स एन ओपन एक्सरसाइज फ्री फॉर ऑल सो इसको थोड़ा एंगेजिंग बनाने के लिए हमने ये सीरीज शुरू करी है सो so, आपके व्यूज आपके जो एनालिसिस है टॉपिक्स को लेकर वी ऑल वेलकम दैट So please do comment in the comment section based upon your analysis. सो so, दोस्तों चलते हैं अपने पहले आर्टिकल के टूवर्ड्स द कास्ट काउंट्स ये द हिंदू में कल आया था तो कास्ट सेंसस को लेके पीछे बहुत सारी बातें की गई हैं हैं यू नो द लास्ट टाइम जब जैसे हमने पहले भी भी डिस्कस किया था बहुत सारे आर्टिकल्स इसको लेके आ चुके अमेंडमेंट बिल भी अभी पीछे पार्लियामेंट में जो ओबीसी बिल है वो भी भी पीछे पास किया गया था uh, देखिए अब लास्ट टाइम इंडिया में जब कास्ट सेंसस किया गया था वो नाइनटीन में था दैट वॉज अंडर द कोलोनियल रूल उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी तक कास्ट सेंसस नहीं किया गया सोश इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ है दो में है जिसका रिजल्ट 2015 में आया था लेकिन कौन सी ऐसी जातियां हैं कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन तक अभी तक पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन नहीं पहुंचा इस बात का अभी हमारे पास आ, डेटा नहीं आया है सो उसको उसके चलते अभी बहुत इंपेरेटिव है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस डिसीजन को अपोज नहीं किया हालांकि पिछले 74, 75 से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली कहा है कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए लोग और कास्ट कॉन्शियस हो जाएंगे लेकिन अभी ऑल दीज पोलिटिकल पार्टीजन अकन एंड दे आर सपोर्टिंग अ कास्ट सेंसिस सो विद डी ऑफ डेमोक्रेसी क्वेश्चन ट्राइबल कम्युनिटीज एंड द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलशन आर बींग रेस्ड नाउ अब आने वाले टाइम में जैसे कि हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियां कम होने वाली हैं और प्राइवेट जॉब्स बढ़ने वाली हैं तो रिजर्वेशन का कोटा का जो कल्चर है वो मोस्टली सरकारी नौकरियों तक तो ही सीमित तो रहता है प्राइवेट जॉब्स में तो होता नहीं है तो इसके चलते बहुत सारी ऐसी जातियां हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कम्युनिटीज हैं जिन तक अभी तक पॉजिटिव एफरमेटिव एक्शन नहीं पहुंचा पिछले सत्तर पचहत्तर सालों में तो कब पहुंचेगा जब हमारे पास डेटा होगा जब सरकार को पता होगा कि ये वो जातियां हैं जिन तक बेनिफिट पहुंचना चाहिए तो इसके चलते और भी चिंता का विषय है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में तो रेजर्वेशन और कोटा का फंडा नहीं होगा तो वो सरकार का ही ऑब्जेक्टिव है कि उन तक वो पॉजिटिव एफरमेटिव एक्शन पहुंचा सके ठीक है और इस एक्सरसाइज को

अब ये किस कंटेक्ट में बात करता है कंटेक्स्ट है द नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकोगशन सिस्टम वर्स इज द राइट टू प्राइवेसी अब ये एन ए एफ आर एस जो है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू फेसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स इन अ क्विकली एंड टाइमली मैनर ठीक है सो so, ये एम्पावर ये बेसिकली दिस इज वेंट टू एम्पावर द इंडियन पुलिस

existing database of ऑफ फेस प्रिंट अब Why is it considered that this will be intrusive for liberty? कैसे यह liberty को invade कर सकता है privacy को invade कर सकता है So ऐसी possibility है that already देखिए database में बहुत सारे face prints होंगे अब जो uh, जिस क्रिमिन को जो कन्विक्ट को या जो अलेजिड क्रिमिनल को जिसका फेशियल रेकग्निशन किया जा रहा है उस बात की क्या गारंटी है कि उसका जो फेशियल रेकग्निशन है वो उसमें डेटा बेस में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा या क्या वो वाकई में क्रिमिनल है बेस्ड ऑन द कंप्यूटर आलग्रदम्स बिकॉज कंप्यूटर ऑलग्रेदम्स भी गलत हो सकते हैं ठीक है सो दैट विल इनवेट द प्रिवे ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो और अभी हमारे पास इस बात का एक और एप्रियशन अभी जताया जा रहा है दैट वी स्टिल डोंट हैव अ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रजीम अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है दैट इज अभी वो पार्लियामेंट में नहीं पास किया गया ठीक है दैट इज स्टिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट ठीक है इन एबसेंस ऑफ दैट इन एबसेंस ऑफ क्लियर गाइडलाइंस इस बात का फेयर है कि इसको मिसयूज किया जा सकता है ठीक है उसके चलते जो प्रोपोशनैलिटी टेस्ट है जो कि वेल स्टेब्लिश था दो हजार सतराह के जजमेंट में के एस पुतु स्वामी जजमेंट में जहां से राइट टू प्राइवेसी आता है ठीक है उसमें जो प्रोपोशनलिटी टेस्ट था उसमें तीन तरह की बातें करी गई थी तीन कंडीशन दिए गई थी जो राइट टू प्राइवेसी को टेस्ट करने के लिए पहली बात थी एनी इंक्रोचमेंट ऑन द राइट टू प्राइवेसी रिक्वायर्स द एक्सटेंशन ऑफ लॉ बी देर मस्ट एग्जिस्ट अ नीड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड सी द थर्ड वन इज मेजर अडॉप्टेड मस्ट बी proportionate एंड इट शुड बी लीस्ट इंक्लूसिव लीस्ट इंटरफेयरिंग इन द पर्सन लिबर्टी और इन द पर्सन प्रिवेसी डोमेन नाउ द वे फॉरवर्ड नाउ इट इज वेरी इंपेरेटिव के आज के टाइम पे जो मॉडर्न डे क्राइम्स को टैकल करने के लिए पुलिस के बाद ऐसे सॉफ्टवेयर हो ऐसे टेक्नीस हो जहां पर हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सके तो वो बहुत जरूरी है बट विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट द फेसियल रिकग्नेशन टेक्नोलॉजी हैजट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर मिस यूज एंड अब्यूज ठीक है तो यहां पे इस आर्टिकल में सजेशन दिया गया कि जब तक एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रजीम नहीं सेट की जाती जब तक एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं पास किया जाता तब तक इस पर एक मोरिटोरियम लगाया जाए इस फेशियल रिकोग्निशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पे और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है बाकी कंट्रीज का वो ये शो करता है जैसे यूएस और यूके का दैट वहां पे भी उन उन कंट्रीज में भी उन सिटीजन्स की पर्सनल लिबर्टीज पे इंपैक्ट करा गया था इन सॉफ्टवेयर करके तो उन्होंने भी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बहुत जुडिशियसली यूटिलाइज किया था चलिए अगला आर्टिकल है जी द क्लाइमेट चेंज अ कैटलिस्ट फॉर आर्टिक कोऑपरेशन ठीक है जी नाउ आर्टिक सो द कंटेक्ट इज द वॉर इज विद द क्लाइमेट चेंज एंड नॉट ईच अदर सो आर्टिक काउंसिल जैसे कि आप जानते हैं कि आठ कंट्रीज हैं जो आर्टिक काउंसिल की डायरेक्ट मेंबर्स हैं एट कंट्रीज हैव डायरेक्ट एक्सेस इन द आर्टिक रिसोर्सेज कनाडा डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड नॉर्वे रशिया स्वीडन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स 2013 में इंडिया भी uh, इसमें ऑब्जर्वर लिस्ट में ऐड किया जाता है इंडिया के साथ साथ चाइना जापान इटली ये सब कंट्रीज भी ऐड की जाती हैं ठीक so, है सो इनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस आर्कटिक काउंसिल में अभी प्रेजेंट ही क्या है रशियाज इंटेंशन इज टू री द मिलिट्री माइट ऑफ इट्स नॉर्दर्न फ्रीड विच इज क्रिएटिंग सिक्योरिटी इन द आर्टिक रीजन तो अभी टाइम लड़ाई का नहीं है आर्टिक आइस कैप मेल्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते वहां पे अगर हम एक वॉर थिएटर क्रिएट करें वो कोल्ड वॉर एरा रिवाइव करें तो वो अभी टाइम नहीं है यहां पे, ठीक है so, सो रशियन नेवी शुड इंश्योर द रशियन नेवी शुड इन्श्योर द रेडिनेस ऑफ इट्स एंटी समरीन फोर्सेज इन द आर्टिक ओशन साइटिंग द बैरेंस सी टू बी यूज एज अ नेवल फ्रंट बाय द वेस्टर्न पावर्स तो अभी वहाँ पे जो नेवल बिल्ड वेयर किया जा रहा है जो वहाँ पे जो अपनी आर्मी को अपनी नेवी को वहाँ पे मोबिलाइज किया जा रहा है इन फेयर और इन एप्रीहेंशन ऑफ अ वॉर सो वो अभी सही टाइम नहीं है बिकॉज अभी लड़ाई क्लाइमेट चेंज के साथ है, एक दूसरे के साथ नहीं है या आर्टिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की एक्सप्लॉयट करने की लड़ाई नहीं होनी चाहिए ठीक है Mutual cooperation mutual coexistence of all these countries is very important in order to protect the Arctic circle now climate change a wake up call in the Arctic too now the summer of two thousand twenty one would be recorded in history as one of the most devastating season of our times all types of कॉम्प्लेक्स एंड फनी थिंग्स हैपन इन दिस समर हमने फॉरेस्ट फायर्स देखी हमने कैनेडा में यू एस में फॉरेस्ट फायर्स देखी फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखा ठीक है वाइल्ड फायर्स रशिया में भी देखी साइबेरिया में ठीक है जहाँ पर विंटर टेम्परेचर इज कैन बी एज बिलो एज माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस सो इस तरह के जो अजीबों गरीब हादसे हो रहे थे दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है और आने वाले टाइम में हम ये भी जानते हैं कि एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आर्टिक सर्कल में जो गर्मियाँ होंगी वहाँ पर भी एटीन से नाइनटीन डिग्रीज टेम्परेचर पाया जा सकता है ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 थाउजेंड ट्वेंटी आर्टिक इज लाइकली टू बिगिन एक्सपीरियंसिंग आइस फ्री समर्स विद इन द नेक्स्ट डेकेड कंप्लीटली फ्री ऑफ सी आइस सो इस तरह की चिंता भी जताई जा रही है ठीक है इन्वायरमेंटल थ्रेट्स डिमांड दैट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस शुड बी एन एब्सोल्यूट प्रायोरिटी फॉर ऑल प्लेयर्स इन दी आर्टिक रीजन तो ये जो सब कंट्रीज है रशिया है यूएस है कैनेडा है डेनमार्क है नॉर्वे है इन सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए इस रीजन में बिकॉज आर्टिक आइस कैप्स मेल्ट कर रही हैं तो इसका इंपैक्ट हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं सी लेवल राइज करेगा ठीक है अगर आर्टिक में बर्फ ही नहीं रहेगी तो आप यू कैन वेल इमेजिन की सी लेवल कितना ज्यादा राइज कर जाएगा आने वाले टाइम में सो दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट फॉर रिसोर्सेज और टू बिल्ड अप दर्मी और टू बिल्ड अप द नेवी इन

जो फ्रेंड्स है नेटो फ्रेंड्स इन दर्टिक कोल्ड वॉर एरा ठीक है सो अभी क्लाइमेट चेंज हर किसी को इम्पैक्ट करने वाला है तो अभी ये लड़ाई का समय नहीं है अभी वो कोल्ड वॉर जो माइंडसेट है उसका रखने का समय नहीं है ठीक है वी ऑल हैव टू कॉपरेट टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इन्वाबर नेशन मस्ट बी कंसर्न अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट इन द रीजन एंड द लार्जर इंप्लीकेशन फॉर ह्यूमैनिटी सो so, ये आप जैसे देख सकते हैं ये बैरंसी है ठीक है तो यहाँ पे बैरनसी में रशिया अपनी नेवल बिल्डअप कर रहा है इस बात का एप्रीहेंशन है रशिया को कि यहाँ पे जो यू एस और उसके जो नेटोलाइज है वो इस रीजन को यूज कर सकते हैं तो टू अटैक ऑन रशिया ठीक है so, सो इस करके यहाँ पे बहुत सारा नेवल एक्टिविटी मोबिलाइज की जा रही है बाय रशिया सो so, इसके चलते यहाँ पे चिंता जताई गई है कि दिस इज नॉट द टाइम टू मोबिलाइज द मिलिट्री और द नेवी रिसोर्सेज दिस इज द टाइम टू कोऑपरेट टू प्रोटेक्ट द आर्टिक सर्कल ठीक है चलिए अगला आर्टिकल है जी नेगोशिएटिंग द न्यू ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी ये आज आया द हिंदू में ठीक है नाउ आप जैसे कि आप जानते हैं क्लाइमेट जस्टिस कॉमन गुड सो अब नेट जीरो को लेके बहुत सारी बात करी गई है ठीक है नेट जीरो को लेके ये जो एजेंडा है प्रॉपरगेंडा है डेवलप्ड इकोनॉमीज ने बहुत ज्यादा उठाया पिछले कुछ पांच छह महीनों से दैट टूवर्ड्स ट्वेंटी फिफ्टी लेट्स एम टूवर्ड्स नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जहां पे जो ऑब्जॉर्ब कैपेसिटी है uh, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी ग्रीन हाउस गैसेज की को ऑब्जॉर्ब करने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा है चाहे बेशक अमिशन कम हो रही हैं ठीक है बट सवाल ये आता है दैट विल नेट जीरो बी टूवर्ड लिमिटिंग द टेम्परेचर राइज दिस इज द क्वेश्चन क्या सिर्फ नेट जीरो सफिशियंट रहेगा कि हम अब देखिए अब uh, जो जो तो ब्रीच होने वाला है आईपीसीसी की सेंचुरी इस बात का फेर है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो छह डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है तो वो वन और टू डिग्री सेल्सियस वाला जो फंडा था वो तो अब खत्म हो गया वो तो अभी आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है अब क्या ये सफिशियंट होगा आने वाले टाइम में और टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करने के लिए ना नेट जीरो अलोन इज नॉट ठीक है करंट करंटन विल नॉट लिमिट ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट इंडिया इंडिया ने एट द जी ट्वेंटी क्लाइमेट समिट इन जुलाई दिस ईयर इंडिया ने ये प्रपोज किया था मेजर इकोनॉमीज को टू ब्रिंग डाउन देयर ओन पर कैपिटल इमिशन टू द ग्लोबल एवरेज बाय टू थाउजेंड थर्टी

अब देखिए इंडिया के अपने ड्रीम्स हैं इंडिया के अपने एस्परेशन हैं कितने सारे लोगों को अभी पावर्टी से एलिविएट करना है इंडिया के कितने सारे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं सो so, अभी कितने सारे लोग हैं जो अभी गांव में रहते हैं यू नो सेमी रूरल टाउन्स में रहते हैं सेमी अर्बन टाउन्स में रहते हैं जिनकी एस्परेशंस हैं एस्पिरेशनल इंडिया की बात करते हैं तो मीडियम एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज ट्वेंटी एट ईयर्स ओल्ड तो वो भी चाहेंगे एक अर्बनाइज लाइफ में रहना मॉल्स में जाना अच्छी फैसिलिटीज़ ऑप्टेन करना उसके लिए ऑब्वियसली इंडिया को कार्बन स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी ये सब कंट्री

वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर इंक्रीज विल नॉट बी रिवर्सेबल फॉर सम टाइम इवन अगर हम जितना मर्जी नेट जीरो की बात कर लें जितना मर्जी मिशन को नीचे लेके आने की बात कर लें ये इर रिवर्सेबल है जितना मर्जी हम कोशिश कर लें आने वाले टाइम में चाहे साइक्लोन्स हैं चाहे फ्लड्स हैं चाहे फॉरेस्ट फायर हैं चाहे हमने देखा कैनेडा में यूएस में 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये आगे होता रहेगा जितना हमने काम खराब करना था एज अज

मल्टीलेटरल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें स्पेशली रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल डैमेज वर्सेस द वेल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल ठीक है स्पेशली इन कंटेक्स ऑफ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया नाउ राइजिंग प्रोस्पेरिटी ऑफ द पुअर एंड इट्स नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड नॉट इनडेंजर प्लानिटरी लाइफ ठीक है तो इंडिया अपनी डेवलपमेंटल नीड्स नीड्स को को अपनी एस्पिरेशनल बहुत रिस्पॉन्सिवली एग्जीक्यूट कर रहा है इंडिया ने बहुत रिस्पॉन्सिवली अपने टारगेट्स भी मीट करे हैं एज फार एज रिवल एनर्जी टारगेट्स की हम बात करें ऑलरेडी इंडिया ने वन नाइन ऑफ गीगा एनर्जी टारगेट्स मीट कर चुका है जबकि इंडिया के टारगेट वन सेवेंटी फाइव गीगा वार्ड ट्वेंटी अब इंडिया ने वो टारगेट्स फोर फिफ्टी कर दिए टूवर्ड्स ट्वेंटी थर्टी सो इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने में भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था इंडिया ने ही वो इन्वेंट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो इंडिया के ऐसे बहुत सारे इनिशियटिव है विच आर towards green energy green environment okay but these initiatives are not coming from the developed economies okay they are just passing on dictats like net zero now consumption of the middle class in developing countries is less wasteful than in the first phase of urbanization which happened in USA UK and China now the way forward शेयरिंग प्रस्पेरिटी शुड बी दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंटर गवर्मेंटल मैकेजम्स विद दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सो एग्जाम्पल सपोर्टिंग सोलर एनर्जी जॉइंट रिसर्च एंड न्यू क्रॉप वराइटीज जिसको हम स्मार्ट एग्रीकल्चर भी कहते हैं बिकॉज लेस्ट ऑन प्रोगेट के एग्रीकल्चर से भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं मिथेन बहुत ज्यादा मिथेन बहुत ज़्यादा इमिट होता है एग्रीकल्चर से भी एंड एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर िटी क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अ सिविलाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड वट वी वैल्यू द वे वी लिव एंड हाउ वी इंटरैक्ट विद वन एंड अदर कंक्यूजन नाउ बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग अवर्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल क्यूमुलेटिव इमिशन विद जस्ट वन फोर्थ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली नाइन सेवेंटी बिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशंस सो नाउ इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर देम टू से हम सब नेट जीरो के डायरेक्शन में मूव uh, ऑन करते हैं बट आपने इतना पोल्यूशन क्रिएट किया चाइना की भी बात करें अगर चाइना भी कोई कम नहीं है चाइना नहीं कह सकता अपने आपको हम डेवलपिंग कंट्री हैं वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री चाइना इज डेफिनेटली अ डेवलप्ड कंट्री नाउ सो वी दे हैव टू इंश्योर दे हैव टू रियलाइज द फैक्ट कि पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और मेनी ऑफ द कंट्रीज इन अफ्रीका दे हैव देर ओन पॉपुलेशन टू केटर टू उनके अपने एस्परेचर उनकी अपनी डेवलपमेंट नीड्स है जिसके चलते वो कार्बन स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई करेंगे सो so एक फ्लेक्सिबिलिटी होना इस मैकेनिज्म में भी बहुत ज़्यादा इंपेरेटिव है कंट्रीज लाइक इंडिया नीड्स कार्बन स्पेस टू ग्रो टू कंपेरेबल लेवल चलिए अगला आर्टिकल है स्लिपिंग ऑन पाम ऑइल इंडियन एक्सप्रेस में कंटेक्स क्या है पाम ऑयल कैन पुट द नॉर्थ ईस्ट बायोडिवर्सिटी एट रिस्क। ठीक है सो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम यह अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया था ठीक है सो दिस इज दार्ट ऑफ द गर्वमेंट्स एफर्ट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन वेजिटेबल ऑइल प्रोडक्शन नाउ अब आपको जैसे पता है कि पाम ऑयल हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं ठीक है मोस्टली पाम ऑयल कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल आता है उसके चलते हमारा इम्पोर्ट बिल भी बहुत इन्फ्लेट होता है बहुत महंगा हमारा इम्पोर्ट बिल ऑब्वियसली वेव टू यू नो यू नो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट ठीक है दैट इनफ्लेट्स आर इम्पोर्ट बिल अब इसके चलते फोकस किया गया कि क्यों ना पाम ऑयल को भी इंडिजिनसली यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए ठीक है सो इनसेटिव टू प्रमोट पाम कल्टिवेशन कम्स फ्राम द सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया इंडिया इंपोर्टेड एटीन पॉइंट फोर वन मिलियन टन ऑफ वेजिटेबल ऑल ट्वेंटी बनेगा तो फिर हमको इतना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक है द टू कंट्रीज इंडोनेशिया पर तो यह तो चलो ठीक है अच्छी बात है अब कंसर्न क्या है इस पॉलिसी के चलते ना स्टडीज ऑल्सो शो कि बेशक परसेंट पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में इंडोनेशिया और मलेशिया बट स्टडीज शो दैट इंडोनेशिया ऑफ वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन सो मोर देन वन लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी मेनली टू ऑयल पाम प्लांटेशन इसके साथ अलॉन्ग विद यू नो लॉस ऑफ सो मच ऑफ फॉरेस्ट कवर इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इट हैज लेड टू इंक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन ठीक है इसके चलते बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेस्ट कवर अगर रिड्यूस हो रहा है तो उससे क्या होगा कार्बन इमिशन लेवल्स बढ़ेंगे बिकॉज uh, जैसे कि आप जानते हैं जो फॉरेस्ट हैं दे आर नैचुरल रिजर्व ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइडिशन बढ़ेंगे ठीक है सो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है पार्मोल प्रोडक्शन के जो स्टडीज बताती हैं द एक्सपेरिमेंट्स इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया सो लेजिस्लेशन अलाउिंग द क्लियरिंग ऑफ ट्री कवर एंड कटिंग फॉरेस्ट ऑल्सो लेट टू डिस्प्यूट लैंड रिलेटेड टसल्स बिटवीन द गवर्नमेंट बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड बिटवीन द स्टडीज़ एव रिवील्ड दैट इन केस ऑफ वेरिएशन इन ग्लोबल पाम ऑयल प्राइसिस बिकॉज पाम ऑयल प्राइस आर वेरी वॉलेटाइल ठीक है तो वॉलेटिली करके अब जो लोग डिपेंडेंट हैं पाम ऑयल कल्टिवेशन पे वो भी फिर वॉलरेबल हो जाते हैं ठीक है बिकॉज अगर अस्सी प्रतिशत अगर पाम ऑयल इंडोनेशियो और मलेशिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है तो सूची कितने सारे लोग होंगे जो इसकी फार्मिंग में इन्वॉल्व होंगे इसकी कल्टिवेशन में इन्वॉल्व होंगे तो उनकी जो आमदन है उनकी जो रोजी रोटी है वो डिपेंड करेगी इसकी प्राइसिस पे तो वो कभी ऊपर है कभी नीचे है सो दे बिकम वॉलरेबल The, the northeastern states are politically sensitive areas, and the oil palm initiative could breed tension there. Now, the way forward the palm oil policy could destroy this richness of the northeast region. Northeast region, it's home to 850 bird species, citrus fruits, medicinal plants. हार्बर्स रेय हार्बर्स रेयर प्लांट्स हर्ब्स इतना रिच फ्लोरा फोना है नॉर्थ ईस्ट में ठीक है सो अगर ये पाम ऑयल पॉलिसी अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है अगर इतना सारा फॉरेस्ट कवर यहाँ पे डिस्प्लेस होगा इतना सारा पे फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा तो दैट इज नॉट गुड फॉर द बायोडावर्सिटी वहां पर बहुत ज्यादा बायोडिवर्सिटी लॉस होगा ठीक है सो पाम ऑयल पॉलिसी ऑलसो कॉन्ट्रोडिक्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट्स अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर have negative implications on the farmers' incomes. हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इन द लॉन्गर रन सो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो होगा जरूर कि हम अपना इम्पोर्ट बिल थोड़ा सेव कर लेंगे ज्यादा हमको डॉलर नहीं स्पेंड करने पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए बट इन द लॉन्गर रन ये सस्टेनेबल नहीं होगा और उसके जो नेगेटिव इंप्लीकेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव इंप्लीकेशन चलिए अगला आर्टिकल है जी अ रेसिपी ये आज आया इंडियन एक्सप्रेस में कंटेक्स क्या है डाइट डिवर्सिफिकेशन कैन अड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनिमिया अनिमिया यानी कि जब आपकी बॉडी में जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम होते हैं जिनको खून की जिनकी जिनकी बॉडी में खून कम होता है ठीक है सो राइस फोर्टिफिकेशन की बात करी गई है अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे प्रधानमंत्री जी ने मैंडेटरी राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम की बात करी थी ठीक है सो प्रेजेंटली कंपलसरी राइस फोर्टिफिकेशन इंड सेफ्टी नेट फीडिंग प्रोग्राम लाइक द आईसीडीएस पीडीएस एंड स्कूल मिड डे मील स्कीम्स इज बीन कैरिड आउट ठीक है सो ऐसा माना जाता है कि अगर राइस को फोर्टिफाई करा जाएगा और इन किया जाएगा न्यूट्रं के साथ तो शायद जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम एड्रेस हो सकती है दैट माइट हेल्प इन फाइटिंग ठीक है हाउएवर इट इज नॉट एस्टैब्लिश इट इज नॉट गेट प्रूवन कि ये जो मैंडेटरी राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है या जो राइस फोर्टिफिकेशन का कोई लिंक है इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनीमिया इसका कोई लिंक अभी नहीं है ठीक है और यहां पे इस आर्टिकल में ये भी बात करी गई है दैट एक्स्ट्रॉडनरी हाई अनिमिया फिगर माइट बी इन्फ्लेटेड बिकॉज डब्ल्यू एच ओ का जो क्राइटेरिया है हीमोग्लोबिन कट ऑफ निकालने का दैट इज वेरी इन्फ्लेटेड ठीक है टू कम टू टू डिटाक टू द फिगर ऑफ कि कितने लोग हैं इंडिया में जिनको अनिमिया की प्रॉब्लम है ठीक है नॉ कंसर्न द आइडिया फॉर आयरन फोर्टिफिकेशन कम्स फ्रॉम फ्रॉम द प्रमाइज दैट एक नॉर्मल इंडियन डाइट में पॉसिबल नहीं है एक इंडिविजुअल को अपनी डेली आयरन की रिक्वायरमेंट मीट करना ठीक है तो ये मिथ है ठीक है द मैंडेटरी तो ये एक वहम है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि एक नॉर्मल एवरेज इंडिविजुअल को अपनी नॉर्मल इंडियन डाइट से उसको डेली आयरन कंजम्पशन नहीं मिल सकता ऐसा कुछ नहीं है ठीक है इस आर्टिकल में ये बात करी गई है कि सिर्फ राइस फोर्टिफिकेशन से आप नहीं अनिमिया को एड्रेस कर सकते हैं The, this mandatory fortification will cost around two thousand six hundred crore, with a poor likelihood of benefit and posing an unnecessary risk. Okay, when rice fortification is made mandatory, it might even reduce the demand for the naturally occurring or naturally occurring diverse varieties of rice in India. Okay. वेन द आयरन इनटेक एक्सड फोर्टी मिलीग्राम्स पर डे द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी गोज अप और अगर ऐसा होगा सो बिकॉज एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज बैड सो एक्सेस ऑफ आयरन कैन कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड दिस इज वेरी हार्मुल फॉर पीपल एसोसिएटेड विद डायबिटीज ऑल्सो ठीक है सो आयरन प्रेजेंट इन द इंडियन फूड नीड्स टू बी वेल ऑब्जॉर्ब एल्स फोर्टिफिकेशन वुड बी ऑफ नो यूज सो द आर एन डेंसिटी ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन डाइट इज अबाउट नाइन मिल मिलीग्राम पर थाउजेंड किलो कैलरीज सो दिस कैन बी वेरी इजिली मेट बाय नॉर्मल इंडियन फूड सो अगर हम डाइवर्सिफाई करें अपनी फूड डाइट को राइट right? सिर्फ राइस को फोर्टिफाई करने के बजाय अगर हम एक वेल बैलेंसड डाइट लें ठीक है अगर हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं तो हमको अपनी आयरन रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं जस्ट इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन के राइस को फोर्टिफाई करने से ही हम अपनी आर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं या अनिमिक लोग अपनी आर रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं ठीक है मेनी अदर न्यूट्रिय आर इन्वॉल्व इन प्रिवेंटिंग अनिमिया जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं सो आर इज नॉट द ओनली माइक्रो न्यूट्रिय मेनी अदर माइक्रो न्यूट्रिय आर इन्वॉल्व राइट मेनी अदर न्यूट्रिट्स एंड एडिकुएट प्रोटीन इनटेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फॉर फॉर विच अ गुड डाइवर्स डाइट इज रिक्वायर्ड गुड ऑफ फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स

तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए जय हिंद टेक केयर